पूर्व सीएम और लालू नीतीश के राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासत ने नई करवट ली है। सीएम नीतीश अब पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थके। इशारों में नीतीश ने बिहार की सियासी तस्वीर साफ कर दी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान से खुश नीतीश ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी ने रामनाथ ठाकुर को फोन किया लेकिन मुझे फोन नहीं किया। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए, तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। नीतीश के बयान से साफ है कि वे पीएम के कॉल का इंतजार कर रहे थे लेकिन कॉल नहीं आया, जिसका उन्हें मलाल भी है। तो एक तरफ नीतीश ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ केसी त्यागी ने भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन की कार्यशैली को लेकर दुखी हूं, लगातार प्रयास करने के बाद भी कांग्रेस के प्रबंधन में चल रही इंडिया गठबंधन कोई तेजी नहीं ला रही। पटना में सफल आयोजन के बाद लगने लगा था कि भाजपा और एनडीए कोई इस बार कड़ा मुकाबला करना, कांग्रेस नेताओं के हाथ में इसका मीटिंगों का प्रबंधन रहा और हमें अफसोस है कि लंबे अंतराल के बाद तीन चार चार महीने बाद बैठक होती, लिहाजा जिस तरह से सीटों के बंटवारे का, जॉइंट कैंपेन का ये सब काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। नॉर्थ ब्लॉक में हर साल की तरह इस बार भी हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने हाथों से हलवा बांटा। बजट तैयार करने की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल की तरह इस साल भी नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों और कर्मचारियों का हलवे से मुंह मीठा करवाया। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को घर जाने की अनुमति नहीं होती है। प्रक्रिया की शुरुआत में परंपरा के अनुसार हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है।